में हिंदुओं पर हमले के बीच एक और दर्दनाक खबर आ रही है। वो खबर ये, एक हिंदू परिवार में मां बेटी और 10 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार की खबर है। बांग्लादेश के हाजीगंज चंद्रपुर की घटना, पूरे इलाके में हड़कंप है। पीएम शेख हसीना ने सख्त कदम उठाने का आदेश दे दिया है। मैं सीधे चलूंगा विष्णु सर के पास। सर, सडन अपहीवल वहां पर दिखाई दे रहा है और टारगेट कर रहा है वो जो हिंदू कम्युनिटीज है उनको। शेख हसीना ने अभी, मैं मिस आउट कर रहा हूं उस पब्लिकेशन का नाम, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जो भारत में हो रहा है उसके रिपरकशंस वहां पर भी देखने को मिलते हैं। आप इस सब को कैसे देखते हैं सर? व्हाट इज द वे आउट? निशांत जी, जो बांग्लादेश की सोसाइटी है वो बटी हुई है। एक तरफ तो कट्टरपंथी हैं, जमात इस्लामी है, और दूसरी तरफ सेकुलर लोग हैं जो जो कि धर्म निष्पेक्ष है। तो उनके बीच में ये जदोजहद है, और अब की बात नहीं है। ये लगातार ये हो रहा है कि जिसका भी पलड़ा भारी होता है किसी टाइम पे, वो अल्पसंख्यकों पे वार करता है। और ये भी हमको याद रखना चाहिए कि वो मुल्क है जहां आतंकवादियों ने, कट्टरपंथियों ने अपने बंगला बंधु का भी कत्ल कर दिया था। तो ये वो मुल्क है। तो ये मुश्किल है। शेख हसीना बहुत कोशिश कर रही हैं, उनके राज्यकाल में काफ़ी फर्क पड़ा है, पर ये समस्या इतनी जल्दी जाएगी नहीं। और जो भारत में कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट भी होता है उसको बढ़ा चढ़ा के बांग्लादेश में इस्लामिक ताकतें उसको बढ़ावा देती हैं, प्रोत्साहन देती हैं। और ISI तो है ही, ISI भी इस्लामी, जमात इस्लामी के थ्रू ऑपरेट करता है। तो ये कुछ एटमॉस्फेयर है जो कि अभी इतनी जल्दी हल नहीं होगा। आप जो बता रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन इसको डिप्लोमेसी के लेवल पर हम लोग सवाल उठा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इट इज स्टिल नॉट स्टॉपिंग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नंबर वन, यहां पर देखें आप। बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना के सख्त आदेश के बावजूद नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार, प्ले ऑन करें। नेक्स्ट, ये हमको पता है, ढाका से 100 किलोमीटर दूर चांद्रपुर के पास कट्टरपंथियों ने एक हिंदू समुदाय पर हमला किया है। दुर्गा पूजा के दौरान मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हमले में 2 हिंदुओं की मौत। आप ढाका के पास फेनी इलाके में भी कट्टरपंथियों की भीड़ का हिंदू मंदिर पर हमला। हाजीगंज चांदपुर में एक हिंदू परिवार की मां बेटी और 10 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना आई है। इस्कॉन बांग्लादेश ने ट्विटर पर खबर शेयर करते हुए कार्रवाई की मांग की है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, जो हमारे पास दूसरी जानकारी है, बांग्लादेश में कहां गायब हो रहे हैं हिंदू। दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश के 22 से ज्यादा जिलों में हिंसा हुई है। नंबर वन, हिंदुओं के 150 से ज्यादा दुर्गा पूजा पंडाल और इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ। पिछले कुछ दिनों में ही कट्टरपंथियों के हमले में 6 हिंदुओं की मौत हुई है। साल अगर बात की जाए यहां पर, देखे 1951, हिंदुओं की आबादी 22%, ज्यादा ध्यान से देखें आप इसको यहां पर। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। साल 1961 हिंदुओं की आबादी 18%, साल 1974 एकदम से डिक्लाइन देखिए 13.5%, साल 1981 सिर्फ 12%, साल 1991 10.5%, 2001 9% से थोड़ा, 2001 9.5% से थोड़ा सा ज्यादा, 2011 8.5%। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।